क्या आप जानते हैं आज के वक्त में फौज के लिए दर्दसार बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन कौन से सियासी लीडरान हैं जो आर्मी बैकग्राउंड रखते हैं, वो कौन कौन से साबिक आर्मी चीफ्स हैं जिनके बच्चे आज पीटीआई और इमरान खान के साथ नजर आते हैं, वो कौन कौन से आर्मी चीफ थे जिनका सगा भाई उनके खिलाफ तहरीक चलाता रहा, नवाज शरीफ पर किस आर्मी चीफ को कत्ल का इल्जाम लगा था और आज उसी आर्मी चीफ की नवासी इमरान खान का साथ देने पर जेल में कैद है, कौन कौन से पाकिस्तानी सियासतदान फौजी जनरलों के दामाद बने और वो कौन से फौजी थे जिनकी शादियां सियासी घरानों में हुई। आप देख रहे हैं उर्दू अलर्ट्स और मैं हूं डॉक्टर इरफान अजीज। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे नाजरीन तो ये जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान पाकिस्तान के वो इकलौते सियासतदान हैं जिनकी फौजियों से बहुत ज्यादा रिश्तेदारियां हैं। इमरान खान के सगा चचा फैजुल्ला खान नियाजी पाक फौज में कर्नल थे। फैज नियाजी के फर्जंद और इमरान खान के चचाजाद भाई ब्रिगेडियर शफीक अहमद खान नियाजी मशरकी पाकिस्तान तैनात रहे। साल 1971 में अंडर 19 क्रिकेट टीम के 18 साल इमरान खान अपने फर्स्ट कजन ब्रिगेडियर शफीक नियाजी के पास ढाका ठहरे थे। कप्तान के सिर्फ एक ही मामू थे, शौकत खानम के इकलौते भाई अहमद रजा बरकी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे। आगा जान कहलाए जाने वाले जनरल अहमद रजा जनरल याया खान के दौरे हुकूमत में मशरक पाकिस्तान के गवर्नर रहे। इमरान खान के सगा खालू लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी सदर अयूब खान के करीबी साथी थे। दोस्तों ये जनरल बरकी ही थे जिन्होंने सिकंदर मिर्जा को मार मार कर उनसे जबरी इस्तीफा लिया था और अपने दोस्त अयूब खान को सदर पाकिस्तान बनाया। जब सदर अयूब गैर मुल्की दौरों पर होते तो उस वक्त जनरल बरकी पाकिस्तान के कायम मकाम सदर होते। इमरान खान के फेडरल मिनिस्टर और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निस्तर को भला कौन नहीं जानता, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर सानिया भी फौजी पसे मंजर रखती हैं। वजीर आजम लियाकत अली खान की काबीना के कम्युनिकेशन मिनिस्टर और साबिक वजीर आला पंजाब सरदार अब्दुल रब निस्तर की पोती डॉक्टर सानिया निस्तर रिश्ते में आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की भांजी लगती हैं। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त देकर पार्लियामान तक पहुंचने वाले अली अमीन गंडापुर भी फौजी पसे मंजर रखते हैं। इमरान खान के साबिक मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के वालिद अमीनुल्लाह गंडापुर फौज से मेजर रिटायर्ड हैं। 9 मई के रोज पीटीआई की सनम जवेद खान और तैयबा राजा को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहवील में लेकर कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया, लेकिन तब खतीजा शाह गिरफ्तार नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की मानकर चलें तो लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर होने वाले हमले की मास्टरमाइंड और मरकजी मुलजमा यही खतीजा शाह थी। बाद अज़ां खतीजा शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो आज के रोज तक जेल में है। इमरान खान की डाईहार्ड फैन खतीजा शाह आर्मी बैकग्राउंड रखती हैं। उनके नाना जनरल आसिफ नवाज जंजुआ नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में आर्मी चीफ थे। याद रहे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 8 जनवरी 1993 के रोज ऑन ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। जनरल साहब की बेवा जो कि खतीजा शाह की नानी थी, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उनके शौहर को मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई बल्कि उन्हें हुकूमत ने जहर देकर कत्ल किया है। खतीजा शाह की वालदा अनीला शाह हाउस वाइफ है जबकि उनके वाले सलमान शाह नामवर इकोनॉमिस्ट हैं। खतीजा शाह क्रिएटिव डायरेक्टर है और वो पाकिस्तान के मशहूर तरीन ब्रांड एलान चलाती हैं। आपको याद होगा कि जब बरतानवी शहजादी कैट मिडल्टन इमरान खान के दौर में पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने खतीजा शाह का डिजाइन किया हुआ लिबास पहना था। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक के साहबजादे इजाजुल हक एक मंझे हुए सियासतदान हैं जो माजी में नवाज शरीफ और फिर काफ लीग के दौर में फेडरल मिनिस्टर बनते रहे।
इजाज़ उल हक ने चंद हफ्ते पहले इमरान खान से मिलकर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। 9 मई के वाकियात के बाद से सियासी लोग इमरान खान से बरात कर रहे थे। ऐसे में इंतजार है कि इजाज़ उल हक कप्तान को कब छोड़ते हैं। हजारा की तरीन बरादरी क्याम पाकिस्तान से कबल सियासत करती आ रही है। अभी अयूब खान ब्रिगेडियर भी नहीं बने थे कि उनके बड़े भाई सरदार बहादुर खान कानून साज असम्बली के रुकन यानी MNA मुंतखब होते थे। वो बाद में लियाकत अली खान की काबीना में मवासलात के फेडरल मिनिस्टर बने। जब अयूब खान पाकिस्तान के सदर बने तो उस वक्त अपोजिशन लीडर यही सरदार बहादुर खान थे। एक रोज उन्होंने असेंबली में अपने छोटे भाई अयूब खान को मुखातिब करते हुए ये शेर पढ़ा था कि बर्बादे गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। चंद साल बाद इलेक्शन दंगल सजा तो हरिपुर हजारा में सरदार बहादुर खान के मद्दे मुकाबले उन्हीं का भतीजा गोहर अयूब था। और फिर गोहर अयूब ने अपने ताया को इलेक्शन में शिकस्त दी थी। गोहर अयूब खान के फरजंद और अयूब खान के पोते उमर अयूब खान की सियासी वाबस्तगी भी अभी तक इमरान खान के साथ है और वो फेडरल मिनिस्टर भी सर्व कर चुके हैं। माजी करीब में इमरान खान के ATM समझे जाने वाले जहांगीर तरीन के खालू का नाम जनरल अख्तर अब्दुलरहमान था, जो ISI के साबिक सरबरा रहे हैं। यही जनरल अख्तर बहावलपुर में होने वाले तियारा हादसे में जनरल जियाउल हक के साथ शहीद हो गए थे। याद रहे कि जनरल अख्तर अब्दुलरहमान के साहबजादे हुमायूं अख्तर PTI के सीनियर मेंबर हैं। इमरान खान के काबिले एतमाद साथी और PTI के जनरल सेक्रेटरी रहने वाले असद उमर के वाले जनरल गुलाम उमर थे, जिन्हें भुट्टो साहब ने सकूत ढाका के बाद फौजी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। जनरल गुलाम मोहम्मद ने भुट्टो दौरे हुकूमत में कड़ा वक्त झीला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रोकर इमरान खान को छोड़ने वाले PTI रहनुमा अबरारुल हक भी आर्मी बैकग्राउंड रखते हैं। उनके बड़े भाई चौधरी इसरारुल हक पाक फौज के मेजर रिटायर्ड हैं। दीगर सियासी कायदीन की बात करते चलें तो साबिक वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान के बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तखार अली खान अफवाज पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी रहे। परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनवाने में लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तखार अली खान का अहम किरदार था। याद रहे कि चौधरी निसार के वालिद चौधरी फतेह अली खान पाक फौज आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद जनाब खाकान अब्बासी रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे जो सियासत करते रहे। मोहम्मद खान जुनेजो के वजीर सनत पैदावार खाकान अब्बासी ओजरी कैंप सानिया में शहीद हुए। शाहिद खाकान अब्बासी के ससुर लेफ्टिनेंट जनरल रियाज खान ISI के डायरेक्टर जनरल थे। अपने दौरे हुकूमत में हर आर्मी चीफ से पंगा लेने वाले नवाज शरीफ को क्या मालूम था कि उनके दामाद भी एक फौजी बनने वाला है। मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर अवान फौज से कैप्टन रिटायर्ड हैं। कैप्टन सफदर खुद बताते हैं कि मैं अपनी जवानी में इतना खूबसूरत था कि मैं जब भी वर्दी में अपने आबाई शहर मानसेरा जाता तो औरतें अपने मकानों की छतों पर चढ़कर मुझे देखा करती थीं और लड़कियों के दिल धक धक करते। कैप्टन सफदर की बायोग्राफी वीडियो में आपको बताया गया था कि कैप्टन सफदर जब नवाज शरीफ के ADC हुआ करते थे तो उस वक्त मियां साहब की दोनों साहबजादियां प्राइम मिनिस्टर हाउस में घूमा करती थीं। वो खुद बताते हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल और ट्रेंड सोल्जर था, यही वजह थी कि मेरा कभी भी दोनों बहनों से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। मैं ऐसी जुरत नहीं कर सकता था कि मैं अपने बॉस के खानदान की तरफ आँख उठाकर भी देखूँ। नवाज शरीफ ने खुद मेरे वालिद इसहाक मसरूर से हमारे रिश्ते की बात की और फिर नवाज शरीफ की 42वीं सालगिरह के रोज 25 दिसंबर 1992 को मरियम नवाज की कैप्टन सफदर से शादी हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, उर्दू अलर्ट सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।